11 मार्च 1958 कोल्ड वॉर अपने 11वें साल में था। शाम 4:34 पे यूएस एयरफोर्स का बोइंग B-47 ELM स्ट्रेटोजेट हंटर एयरफोर्स बेस से मार्क 6 न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उड़ान भरता है। सोवियत यूनियन से तनातनी के बीच इस B-47 को ऑपरेशन स्नो फ्लरी के मुताबिक मॉक बॉम्बिंग कर बॉम्बिंग रिलेटेड डेटा निकालना था। इसके लिए B-47 को पहले UK और फिर नॉर्थ अफ्रीका जाना था। तभी कॉकपिट में कैप्टन अर्ल कोहलर को एक फॉल्ट इंडिकेटर जलता दिखाई देता है। एयरफोर्स कैप्टन ब्रूस कुलका जो फ्लाइट नेविगेटर और बॉम्बार्डियर थे उन्हें कॉलर बॉम्ब हार्नेस लॉकिंग पिन को चेक करने के लिए कहते हैं। ब्रूस बॉम्बे एरिया में बॉम्ब तक पहुंचने के लिए इधर उधर सहारा लेने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में उनसे गलती से इमरजेंसी रिलीज पिन खिंच जाती है। 15,000 फीट की ऊंचाई से बॉम्ब जमीन पे जा गिरता है। बॉम्ब में न्यूक्लियर कोर न होने की वजह से सिर्फ इसके कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव ही फटते हैं और एक 75 फीट चौड़ा और 30 फीट गहरा क्रेटर बन जाता है। इस हादसे में 6 लोग सिर्फ घायल होते हैं।